हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो ब्लॉग है ये मैं शाम को शुरू कर रही हूँ, और इधर जो है ना मौसम इतना अच्छा हो गया था, द वेदर इज़ सो ब्यूटीफुल, इट्स क्लाउडी वेदर, और ये बारिश होने के बाद का मौसम है, और बच्चे जो है ना यहाँ पे आ गए थे बाहर, और बच्चों ने भी जो है ना काफ़ी इंजॉय किया, दे आर प्लेइंग विद देयर फुटबॉल। और फिर मैं उनको थोड़ा सा बाहर ले आई, गेट से बाहर, और ये हमारी थोड़ी सी जगह है जहाँ पे बच्चे जो है ना वो बड़े शौक से खेलते हैं, थोड़ा सा भागते दौड़ते हैं, तो इधर बच्चों ने खेला। दिस इज़ द सेकेंड डे, और यहाँ पे हमने जाना था, एक तो हमने ग्रॉसरी करने जाना था, दूसरा जो है ना मार्केट जाना था, हमने फर्नीचर मार्केट, तो बच्चों के लिए जो फर्नीचर है वो हमने देखना था। तो हम जा रहे हैं जी गुलबर्ग की तरफ, तो ये देखें, अच्छा एक दिन पहले भी हम निकले थे लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी तो सड़कों पे इतना पानी था, इस वजह से वापस आ गए। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, आई थिंक आफ्टर 2 or 3 days वी आर गोइंग अगेन टूवर्ड्स द मार्केट, और ये गुलबर्ग में है मार्केट, और यहाँ से पहले भी हमने काफ़ी अपना फर्नीचर लिया है, तो इसलिए हम अब भी जो है ना वो यहीं पे विज़िट करेंगे। वैसे मुझे और नहीं पता कि कौन कौन सी मार्केट्स हैं, तो इधर से ही हम अक्सर फर्नीचर वगैरह लेते हैं, तो मैंने सोचा कि चलें यहीं चल जाते हैं, बच्चों की जो है ना वो पसंद की चीज़ें जो है ना वो ले आते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आप एंड पर जाएँगे, यहाँ पर बहुत रश होता है, बिल्कुल जहाँ पर मार्केट जो है ना वो एंड होती है ना, वहाँ पर जो है ना ये एक शॉप है जो कि बेसमेंट में है, तो यहाँ पे बच्चों के जो फर्नीचर वगैरह था वो पड़ा हुआ था, जिसमें किड्स के जो बेड थे उनकी वैरायटी थी। उसके बाद साथ ही जो है ना वो मैं दूसरी शॉप से, मैंने कहा चलो मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ, एक्चुअली मेरा ये लेने का कोई प्लान नहीं है फ़िलहाल तो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आपको जो है ना ये दिखा देती हूँ। तो इनके पास और भी वैरायटी थी, जैसे ये डेस्क था तो ये भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये लिया मैंने वैसे कुछ भी नहीं क्योंकि मेरा ये अभी लेने का कोई इरादा नहीं है, और बस हम हर शॉप इसलिए भी जा रहे थे क्योंकि हमें चाहिए थे बच्चों के लिए बेड्स, तो वो मुझे नहीं मिल रहे थे सिंगल बेड्स थे, लेकिन हमारी वो हमें वो जो है ना वो लेने नहीं थे क्योंकि बच्चों की ख्वाहिश थी कि उनको जो है ना वो उनके फेवरेट करेक्टर्स वाले, जैसे मेरा बेटा जो है ना वो कह रहे थे कि मुझे जो है ना वो गाड़ी वाला बेड चाहिए, और मेरी बेटी को जो है ना वो उसकी एक ही पसंद है, उसको पोनी वाला बेड चाहिए, तो वो हमें ऑर्डर पे बनवाने पड़ने हैं क्योंकि इनके पास जो है वो ऑलरेडी नहीं है। तो बस हम ये विज़िट वगैरह करके हम लोग आ गए, और अब हमने सोचा कि चलें हम पहले जाके डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है, उसके बाद जो है ना वो फिर देंगे फर्नीचर या ऑर्डर देंगे। तो उसके बाद जो है वो हम चले गए ग्रॉसरी करने के लिए कारफोर, और यहाँ पर जो है ना वो मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, बस हम अंदर गए हैं सबसे पहले, तो उसके बाद हमने जो है ना यहाँ पर सबसे पहले तो गोलगप्पे खाए क्योंकि मुझे यहाँ के गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी शॉप जो है ना वो चेंज हो गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेटअप चेंज कर रहे हैं, उससे कोई भी मुझे ख़ास इस पर गोलगप्पे इनके नहीं लगे। अच्छा उसके बाद हम अंदर चले गए, इन्होंने काफ़ी एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ पर जो बच्चों की थे ना खिलौने, मतलब गाड़ियाँ वगैरह थी जिसपे राइड वगैरह कर सकते, वो भी ख़त्म कर दिया, मेरे ख्याल में ये नए सिरे से कुछ बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद जैसे हम अंदर गए हैं तो मुझे जो है ना वो प्रेशर कुकर देखना था, लेकिन मुझे इस स्टाइल में नहीं चाहिए था, मुझे इंडियन स्टाइल में चाहिए था, खैर वो मुझे नहीं मिला। काफ़ी ज़्यादा इनके पास बर्तनों की वैरायटी आई थी, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मैंने अलफ़तह से और इनके कंपेरिज़न किया है, तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव है और उनके डिज़ाइन मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो बनाई, और मेरी बेटी को अपने लिए मग चाहिए था और उसका मग टूट गया था, तो उसको सेम वैसा ही चाहिए था, तो शुक्र अल्लाह का उसको सेम वैसा जो है ना मग मिल गया। उसके बाद मैं ये प्लेट्स वगैरह देखी, दैन हमने सब्ज़ी वगैरह लेनी थी और फ्रूट्स लेने थे, तो कोई जो आप कह लें कि ख़ास मुझे नहीं लगा। अच्छा तो मैंने बस, मुझे ऐसे लगा कि बस जो मुझे चाहिए वो चीज़ें मैं ले लूँ। अच्छा इसके अलावा इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा बेकरी आइटम्स जो हैं वो बना लिए, तंदूर बना लिया और पता नहीं क्या क्या बना लिया, लेकिन आप यकीन करें क्वालिटी मुझे इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैंने एक जो है ये देखें इधर, इन्होंने सारा खाने का बूफे टाइप का इंतजाम किया हुआ है, बूफे तो नहीं आप कह सकते लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जो है ना वो अपनी पसंद से ले सकते हैं। खैर खाने में मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि हम ऑलरेडी खाना खा के आए थे और इससे खाने की भूख नहीं थी, फिर मैंने सोचा कि चलें इनके जो है ना ये डोनट्स वगैरह या केक्स वगैरह ये ट्राई कर लेते हैं। सो जी डोनट्स मैंने ले लिए क्योंकि बच्चों को चाहिए होते हैं, और ये मैंने जो ब्लैक और वाइट जो केक है ना छोटा वाला ये मैंने लिया, और आप यकीन करें कि ये ख़राब निकला, ठीक है बिल्कुल खट्टा हुआ हुआ था, तो खैर इनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसके बाद मैंने ये ब्रेड लिया, और ब्रेड जो है मैंने ब्राउन ब्रेड लिए, बट ये ब्रांड की मुझे यहाँ से इसकी कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। खैर ये तो था मेरा ब्लॉग, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, थैंक यू सो मच।